भगवान शिव को भक्त अनेक नामों से पुकारते हैं। अपने भक्तों द्वारा साधारण पूजा से प्रसन्न होने वाले भगवान शंकर को उनके भोले स्वभाव के कारण भोलेनाथ कहा जाता है। हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों भगवान शिव को जल और बेलपत्र चढ़ाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवता और दानव के बीच समुद्र मंथन हुआ था। इस समुद्र मंथन में अच्छी और बुरी दोनों तरह की चीजें निकली थी। समुद्र मंथन के दौरान एक विष निकला जिसका नाम हलाहल था। ये विष इतना प्रभावशाली था कि सारे संसार की तरफ बढ़ने लगा। सभी देवता उस विष के जानलेवा प्रभाव के आगे कमजोर नजर आने लगे। किसी में इतनी शक्ति नहीं थी कि उस विष के प्रभाव को रोक सके। उस समय भगवान शिव ने पूरे संसार को बचाने के लिए इस विष का पान कर लिया और इसे अपने कंठ में ही धारण करे रखा। विष अत्यंत प्रभावशाली होने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया, तभी उनका नाम नीलकंठ पड़ा। अति विषैले प्रभाव के कारण भगवान शिव का शरीर तपने लगा और अत्यधिक गर्म हो गया। इसी कारण आसपास का वातावरण भी जलने लगा। मान्यता के अनुसार बेलपत्र विष के प्रभाव को कम करता है, जिसके कारण भगवान शिव को देवताओं ने बेलपत्र खिलाना शुरू किया। साथ ही भोलेनाथ को शीतल रखने के लिए उन पर जल भी अर्पित किया गया, जिससे उन्हें काफी आराम मिला और उनके शरीर की तपन कम हुई। तभी से भगवान शिव पर बेलपत्र और जल अर्पित करने की परंपरा चली आ रही है, जिसे आज तक निभाया जा रहा है। जय श्री राधे कृष्णा।